हेलो माय लवली फूडीज, मैं हूँ रुचि और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो टी टाइम का बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। आप इसको टी टाइम में एंजॉय कर सकते हो। ये फेस्टिवल में हमारे घर आता ही है। इसको पोहा और कहीं कहीं चूरा भी कहते हैं। तो आइए बनाते हैं पोहा चिवड़ा। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहे को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको पोहा भी कहते हैं और चूरा भी कहते हैं। इसको स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के रोस्ट करेंगे जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए। अब हमारा पोहा फ्राई हो गया है। देखिए, हम चेक करते हैं कि ये क्रिस्प हो गया है या नहीं। ये देखिए, इसको मैं मसल रही हूँ तो ये अच्छे से क्रिस्प हो रहा है। ये देखिए, हमको ऐसा ही चाहिए था कि ये क्रिस्पी हो जाए, मसलने पे चूर चूर हो जाए। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। मैंने थोड़ा सा परवल लिया है, मैं इसको भी ड्राई रोस्ट करूँगी। मैं चेवड़ा नमकीन में थोड़ा सा परवल भी डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है और आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। हम इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट तक, फिर इसको निकाल लेंगे बाउल में। ये लीजिए, हमारा परवल भी रोस्ट हो गया है अच्छे से। इसको भी मसल कर देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी क्रिस्पी हो गया है। हम इसको भी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसको गरम होने देंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें पीनट्स डालेंगे। हम पीनट्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको फुल पर फ्राई मत कीजिएगा, वरना ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब ये पीनट्स फ्राई हो गई हैं अच्छे से, इनका कलर भी आ गया है गोल्डन ब्राउन जैसा मुझको चाहिए था। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ड्राई कोकोनट के स्लाइस डालेंगे, उनको भी फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई मत करिएगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे तो ये कड़वे भी हो जाएंगे। इसलिए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। हमारा कोकोनट फ्राई हो गया है, बस अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब मैं थोड़े से कैशूज इसमें फ्राई करूँगी। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमारे कैशोज भी फ्राई हो गए हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आमंड, इसको भी हम फ्राई करेंगे। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारा आमंड भी फ्राई हो गया है, हम इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। हम इसको क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सीमन सीड्स यानी कि जीरा, इसको भी क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, इससे इसमें थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर आएगा। अब हम डालेंगे करी लीव्स। अब हमने जो भी सारा सामान, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं फ्राई किए थे, हम वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक। ये लीजिए, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, टर्मरिक ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे
जो हमने रोस्ट किया था पोहा। हम इन सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे और इनको फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका हल्दी का कलर पूरे पोहा में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी बोरा, थोड़ा सा चाट मसाला, इससे इसका थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा, वो और अच्छा लगेगा। हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, हमारा पोहा चेवड़ा रेडी है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को किसी भी कंटेनर जार में 2 या 3 वीक्स के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।